गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर यूनिक्स कमांड्स का दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल ओरेकल टेक इंडिया पे स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिक्स का जो कमांड है उसका नाम है PS कमांड। तो PS कमांड को यूज करते हैं टू व्यू ऑल प्रोसेस। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कौन कौन से प्रोसेस जो है वो रन कर रहे हैं, उन सारे प्रोसेस को देखने के लिए PS कमांड का यूज करते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है कि यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको PS टाइप करना है और उसके बाद एंटर करनी है। तो एंटर करने के बाद जो 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 प्रोसेस रन कर रही होंगी उसकी PID जो है आपके पास आ जाएगी। तो जैसे 10 प्रोसेस रन कर रही है तो 10 PID आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है उसकी PID जो है मान लीजिए 12330 है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। और ये बताएगा कि कौन से टर्मिनल पे जो है वो प्रोसेस रन कर रही है, तो ये टर्मिनल या कंप्यूटर का नाम है। और किस टाइम से वो प्रोसेस रन कर रही है तो वो टाइम दिखाएगा। और जो है किस प्रॉम्प्ट पे, चार शेल बताए थे, चार कमांड प्रॉम्प्ट मैंने बताए थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो किस कमांड प्रॉम्प्ट पे वो प्रोसेस जो है रन कर रही है तो वो कमांड प्रॉम्प्ट भी ये शो करेगा। तो यहाँ पर PID क्या है, यूनिक प्रोसेस ID, जितने भी प्रोसेस रन कर रहे हैं उसकी यूनिक प्रोसेस ID बन जाती है, तो वो यूनिक प्रोसेस ID यहाँ पर शो करता है, तो वही हमारा प्रोसेस है। उसके बाद TTY का मतलब है टर्मिनल टाइप दैट यूजर इज लॉग्ड इनटू। तो प्रोसेस को रन करने के लिए कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, तो यूजर ने किस टर्मिनल पे, किस कंप्यूटर पे उस टास्क को परफॉर्म किया था जिसका प्रोसेस पीछे रन कर रहा है, तो वो कंप्यूटर का नाम, उस टर्मिनल का नाम आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ CPU इन मिनट्स एंड सेकेंड्स दैट द प्रोसेस हैज बीन रनिंग। और उसके बाद टाइम में ये शो करेगा कि कितने मिनट कितने सेकेंड से आपका वो प्रोसेस रन कर रही है वो दिखाएगा। और CMD का मतलब है कि कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट है जिस पर जो है वो टास्क परफॉर्म की गई है और उसके रिगार्डिंग पीछे प्रोसेस जो है रन कर रही है। तो इस तरीके से जब PS कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो PID यानी कि प्रोसेस ID, टर्मिनल के नेम, किस टाइम से वो प्रोसेस रन कर रही है और कौन से कमांड प्रॉम्प्ट पे वो प्रोसेस किस कमांड प्रॉम्प्ट से वो प्रोसेस जुड़ी हुई है, तो वो सारी चीजें ये दिखाता है। अब यूनिक्स में हमारे पास जो दूसरा कमांड है उसका नाम है LS कमांड। तो LS कमांड क्या करता है, लिस्टिंग द डायरेक्टरी एंड फाइल्स इन द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फाइल्स है उसकी लिस्ट शो करता है। तो बाय दिस कमांड, बाय यूजिंग LS कमांड यू कैन सी द डायरेक्टरी एंड फाइल्स अवेलेबल इन द डायरेक्टरी। तो आप डायरेक्टरी का नाम देख सकते हैं इस कमांड से और उस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स अवेलेबल है वो फाइल्स भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के LS टाइप करके एंटर प्रेस करनी है। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है, तो जो भी डायरेक्टरी होगी, जो भी फाइल होंगे उनका नाम आ जाएगा। तो मेरे पास दो डायरेक्टरी है, DIR1 ये डायरेक्टरी का नाम है, DIR2 ये भी डायरेक्टरी का नाम है। तो दो डायरेक्टरी है हमारे पास और दो फाइल है, फाइल 1 ये फाइल का नाम है, फाइल 2 ये भी फाइल का ही नाम है। तो इस तरीके से दो डायरेक्टरी है हमारे पास और दो फाइल है। तो ये तो हो गया था सिंपली LS कमांड क्या करता है। तो सिंपली LS कमांड आपको डायरेक्टरी का नाम और डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स है उसका नाम शो करेगा। अब हम चाहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को रख करके हम ये जानना चाहते हैं कि उस कैरेक्टर से कितने फाइल्स
या कितनी डायरेक्टरी बनी हुई है, तो सिंपल उस कैरेक्टर के बाद हम एस्ट्रिक लगा देते हैं एलएस कमांड के साथ। तो जैसे यहाँ पर एलएस एलएस के साथ मैंने CHAP एस्ट्रिक लगाया है, तो CHAP के नाम से शुरू होने वाली जितनी भी फाइल होगी उन सारी फाइल की लिस्टिंग यहाँ पे कर देगा। अगर मैं सिंपली यहाँ पर चैप ना लिख करके सी और सी के बाद एस्ट्रिक लगा देता, तो सी से स्टार्ट होने वाली जितनी फाइल है उन सारे फाइल की लिस्ट हमारे पास आ जाती। तो एस्ट्रिक लगा करके हम किसी भी कैरेक्टर से फाइल के नाम को सर्च कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर से कितनी फाइल्स है हमारे पास या कितनी डायरेक्टरी है हमारे पास। उसके बाद एलएस कमांड के साथ हमारे पास जो है तीसरा कमांड है वो ये है कि एलएस और चैप एस्ट्रिक के बीच में आपको हाइफन एल लगाना है। तो हाइफन एल बताएगा कि चैप नाम से जितनी भी फाइल्स हैं तो उन फाइल्स पे जो है कौन कौन से परमिशन एसोसिएट है। तो परमिशन का मतलब ये है कि यूजर ग्रुप और अदर यूजर का उस फाइल के ऊपर रीड राइट और एग्जीक्यूट के परमिशन किस किस को है, तो वो सब दिखाने के लिए हाइफन एल कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर है ls-l, जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये परमिशन शो करता है कि जो है चैप नाम से जितनी भी फाइल्स है उस चैप नाम की फाइल पे कौन कौन से परमिशंस एसोसिएट है। तो जैसे यहाँ आउटपुट में दिया हुआ है कि चैप एस्ट्रिक का मतलब चैप नाम से जितनी फाइल्स है वो शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो chap01 .txt, chap02 .txt, chap03 .txt, ये तीन फाइल है। और chap01 पे जो है यहाँ पर रीड राइट और एग्जीक्यूशन परमिशन को ये शो कर रहा है इस लाइन में। तो ये फर्स्ट जो यहाँ पर जो हाइफ़न है इसका मतलब ये है कि ये फाइल हमारी ऑर्डिनरी फाइल है या डायरेक्टरी फाइल है। तो ऑर्डिनरी फाइल के केस में यहाँ पर हाइफ़न दिखाएगा और डायरेक्टरी फाइल के केस में यहाँ पर डी दिखाएगा। बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट थ्री लेटर है RW और हाइफन, ये शो करता है यूजर को, और ये सेकेंड थ्री लेटर जो है R और दो बार यहाँ पर जो हाइफन है ये शो करता है ग्रुप को, और यहाँ पर थर्ड जो है R और दो बार हाइफन ये शो करता है अदर को। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि chap01.txt जो है ये ऑर्डिनरी फाइल है और इस पर जो है यूजर के पास, इसका जो यूजर है उसको रीड परमिशन है, वो इस फाइल को रीड कर सकता है, इस फाइल को राइट कर सकता है, बट इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हाइफन का मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है ग्रुप, जो है ग्रुप को रीड का परमिशन है, उसके बाद राइट का परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। और तीसरा जो अदर यूजर्स है उनको रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूट करने का, इस फाइल को एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं है। तो उसी तरीके से chap02.txt ये भी यहाँ पर हाइफन है, तो ये ऑर्डनरी फाइल है, यूजर के पास रीड राइट और रीड राइट का परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ग्रुप के पास रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, और अदर यूजर के पास रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से chap03 भी हमारे पास एक ऑर्डनरी फाइल है और यूजर ग्रुप और अदर का ये परमिशन इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है wc कमांड। तो देखते हैं कि wc कमांड का क्या यूज़ है। तो wc कमांड जो है ये क्या करता है, काउंटिंग नंबर ऑफ लाइंस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन ए फाइल। तो एक फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, कितने वर्ड्स है और कितने कैरेक्टर्स है वो शो करेगा अलोंग विद द नेम ऑफ फाइल, फाइल के नाम के साथ।
और कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर मतलब जैसे बुक, तो बुक में कितने कैरेक्टर है? BOOK 4 कैरेक्टर है, तो B यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर है, O सेकेंड, अगेन O थर्ड, और K फोर्थ कैरेक्टर, तो इन्हीं को कैरेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली WC कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यूनिक्स कमांड पे आपको कमांड टाइप करनी है WC, उसके बाद एक फाइल का नाम देना है, तो मेरी फाइल का नाम अनिल है, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है, एंटर लिखना नहीं है, एंटर को प्रेस करना है। तो आउटपुट में ये दिखाएगा कि फाइल का नाम आपका अनिल है, इसमें नंबर ऑफ लाइन 6 है, 24 वर्ड्स है और 108 कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो था WC कमांड। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो ये है कि LS कमांड के साथ हम WC कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको LS टाइप करना है और उसके बाद पाइपलाइन टाइप करनी है, उसके बाद WC कमांड को टाइप करना है। तो पाइपलाइन को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ बैक स्लैश प्रेस करना है। तो ये कमांड, इस कमांड से क्या होगा, तो इट कनेक्ट्स द आउटपुट ऑफ LS कमांड। तो ये क्या करेगा, LS कमांड का आउटपुट, LS कमांड क्या करता है, फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाता है। तो ये LS कमांड के आउटपुट को क्या करेगा, WC कमांड का इनपुट बना देगा। तो जो है, तो इस तरीके से पूरा ये आउटपुट क्या शो करेगा, तो नीचे देखते हैं। तो LS कमांड इसमें क्या कर रहा है, लिस्टिंग ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स है उसकी लिस्टिंग करके, और पाइपलाइन क्या कर रहा है कि फाइल की जितनी भी लिस्ट है, लिस्टिंग ऑफ फाइल्स को WC कमांड को दे रहा है, यानी कि WC कमांड उसको एज ए इनपुट ले रहा है। जैसे WC कमांड के साथ हम अनिल नाम का फाइल लेते हैं, तो अनिल में लाइन वाइन वर्ड्स वो सारा काउंट करके दे देता है, उसी तरीके से LS कमांड का जो आउटपुट आया है, मतलब लिस्टिंग ऑफ फाइल, यानी कि फाइल के जितने भी नाम्स आए हैं, वो सारे नाम्स जो है ऑटोमेटिकली WC कमांड के साथ पाइपलाइन के थ्रू ऐड हो जाते हैं। और फिर WC कमांड क्या करता है कि LS कमांड ने जितने भी फाइल्स के नाम दिए हैं, तो कितने फाइल्स के नाम दिए हैं उन फाइल्स की काउंटिंग करके दे देगा, उसमें लाइंस वर्ड्स और कैरेक्टर को नहीं, फाइल्स की काउंटिंग करके देगा। यानी कि हमें ये जानना है कि हमारे होम डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स बनी हुई है, तो सिंपली LS कमांड टाइप करेंगे तो सारे फाइल्स के नाम शो करेगा, और उसको हम इंडिविजुअली काउंट कर लेंगे कि कितने फाइल्स है। बट हम चाहते हैं कि जो है LS कमांड के थ्रू सारे फाइल्स के नेम हमारे पास ना आए, बट कितने फाइल्स है वो उसकी काउंटिंग हमें दे दे, उसको काउंट करके हमें बता दे कि होम डायरेक्टरी में इतनी फाइल्स है। तो सिंपली आपको LS कमांड टाइप करना है यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे, उसके बाद पाइपलाइन लगा करके WC कमांड जब आप टाइप करेंगे, तो LS कमांड क्या करेगा, कितनी फाइल्स है वो WC कमांड के साथ जोड़ देगा, और WC क्या करेगा, सिर्फ उन फाइल्स को काउंट करके आपके पास आउटपुट में दे देगा कि 5 फाइल्स है या 10 फाइल्स है। तो ये था WC कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एग्जिट कमांड। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट कमांड है, तो देखते हैं कि एग्जिट कमांड का क्या यूज़ है। तो एग्जिट कमांड इज़ यूज टू सस्पेंड द करंट सेशन। तो जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप किसी डायरेक्टरी में चले गए हैं, तो उस डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप उस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, करंट सेशन को सस्पेंड करना चाहते हैं, तो सिंपली जो है उसके लिए एग्जिट कमांड को यूज़ करते हैं। तो वही यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे सिंपली आपको जो है एग्जिट ये टाइप करना है और एंटर प्रेस करनी है, और एंटर करेंगे तो आपका वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो है
शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस डी से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये जो है लिनक्स कमांड्स का, ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। बाकी के कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।